नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीओम। आप देख रहे हैं सीओम टीवी। इस वीडियो में हम जानेंगे महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी कुछ रोचक बातों को और उनसे जुड़ी कुछ उनके जीवन परिचय के बारे में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में तो वैसे तो कई खेलों से खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट को अन्य खेलों से ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारत में कई महान क्रिकेटर खिलाड़ियों के जन्म लेकर भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी उन्हीं महान खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने MS धोनी के नाम से भी जाना जाता है। जो चलिए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची के झारखंड में हुआ था। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम पान सिंह और इनकी माता का नाम देवकी धोनी है। MS धोनी का एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी है। धोनी के भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी तथा बहन का नाम जयंती धोनी है। धोनी एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। उन्होंने एक शुरुआती शिक्षा रांची जवाहर विद्या मंदिर में पूर्ण की। धोनी के पिता एक स्टील बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। धोनी को बचपन से ही क्रिकेट के बजाय फुटबॉल पसंद था, पर इनके कोच ठाकुर दिग्विजय सिंह ने इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। धोनी को फुटबॉल टीम में भी एक गोलकीपर के तौर पर खेलते थे। यही देखकर कोच ने इनको क्रिकेट के एक विकेट कीपर के तौर पर खेलने को कहा। धोनी ने अपने माता पिता की सहमति लेकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। 2001 से लेकर 2003 में धोनी पहली बार कमांडो क्रिकेट क्लब की ओर से खेले। वहीं पर उन्होंने विकेट कीपिंग को देखकर सभी ने उनके सराहना की। 2003 में धोनी की खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर के तौर पर भी काम किया। धोनी ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत सन 1998 में बिहार अंडर 19 टीम से की। 1999 से लेकर 2000 में धोनी ने बिहार रणजी टीम में खेलकर अपनी पारदर्शन किया। देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और इंडिया ए में केन्या टूर के लिए प्रदर्शन के बदौलत उन्हें राष्ट्रीय टीम में चयन समिति ने ध्यान दिया। सन 2004 में एक टीम के चयन से के बैठक में सौरव गांगुली से पूछा गया टीम में की विकेट कीपिंग किसे बनाएंगे। तब सौरव गांगुली ने कहा कि मैं तो MS धोनी को विकेट कीपर बनाना चाहूँगा। 2004 में धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर तब से लेकर अब तक महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में बहुत ही लंबा सफर तय किया। अपने विकेट कीपिंग करियर में धोनी ने 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए। टेस्ट में उनकी सबसे बड़ी पारी चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई। इस पारी में धोनी ने 224 रन बनाए। टेस्ट में धोनी ने स्टंप के पीछे 256 कैच और 38 स्टंपिंग की। धोनी के नाम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने मिशेल मार्श की 0.76 सेकंड में स्टंपिंग की थी। अपनी बैटिंग कीपिंग और फिनिशिंग के कारण धोनी विश्व जगत में मशहूर हैं। उन्होंने भारत के लिए हर ICIC ट्रॉफी जीती। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, 2013 में चैम्पियन ट्रॉफी की जीत हासिल की थी। धोनी ने एक वनडे पारी में 10 छक्के मारने हैं। उनकी यह पारी सबसे ज़्यादा छक्कों के लिए मामले में छठे स्थान पर आती है। MS ने वनडे 183 रन बनाकर एडम गिलक्रिस्ट का विकेट कीपरिंग के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाए और रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय विकेट कीपर ने द्वारा विकेट के पीछे ज़्यादा शिकार करने वाले का रिकॉर्ड धोनी के नाम ही है। धोनी के पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो कि उनके बचपन के दोस्त हैं। उनके किसी की एक दोस्त ही हेलीकॉप्टर शॉट खेलना सिखाए। धोनी को अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण
के बाद एक प्रियंका नाम की लड़की से प्यार हुआ था और उस समय वो रिलेशनशिप के बाद प्रियंका के ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। एमएस धोनी की फिल्म एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया था कि धोनी और साक्षी एक होटल में मिले थे। असल में यह सच नहीं है। सच यह है कि धोनी के पापा और साक्षी के पापा दोनों एक कंपनी में काम करते थे। हैरानी की बात यह है कि साक्षी और धोनी एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे। जिस समय धोनी के स्कूल बंद किया गया था उसी समय साक्षी ने भी दाखिला लिया था, तो जिससे धोनी स्कूल में साक्षी को मिलने गए और कुछ समय बाद साक्षी का परिवार रांची छोड़कर देहरादून चला गया। देहरादून में साक्षी के दादा दादी पहले जब 2007 नवंबर दिसंबर में धोनी का सिलेक्शन टीम इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में हुआ था, तब टीम कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रही थी। धोनी की मुलाकात कोलकाता में ही साक्षी से हुई और उस समय भारतीय टीम एक होटल में ठहरी थी जहां पर साक्षी की मुलाकात धोनी से। साक्षी को धोनी के सामने परिचित करने वाला योद्धा जीत दत्ता होटल के मैनेजर थे। जिस दिन धोनी और साक्षी मिले वो दिन साक्षी का होटल इंटर्नशिप का आखिरी दिन था, इसलिए साक्षी होटल छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद धोनी ने मद्देनजर साक्षी का नवंबर में ले जाकर उससे संपर्क की कोशिश की। जब धोनी ने उसे पहली बार मैसेज किया तब साक्षी को लगा कि वो मजाक कर रहा है। बाद में जब उन्हें पता चला कि असल में धोनी है और भारतीय टीम के कप्तान बन चुके हैं तब वे अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाए। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उसे मैसेज किया। साक्षी को 2 से 3 महीने तक मनाने के बाद धोनी और साक्षी दोनों एक दूसरे से ट्रिप पर लग गए और फिर 2010 में धोनी ने शादी कर ली। धोनी की एक बेटी भी है जीवा, जो कि अभी 5 साल की।